हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, काफ़ी शेयर्स काफ़ी गिरे हैं उसके बारे में, और 52 वीक लो पर आ चुके हैं। तो मेन तो मेरे चैनल पे एक ऐसा शेयर है या मेरे पोर्टफोलियो में एक ऐसा शेयर है जो काफ़ी गिरा हुआ है, और वो है ओनली एशियन ग्रैनिटो। जो सबसे ज़्यादा गिरने वाला शेयर मेरे पोर्टफोलियो का वही है, लगभग अभी 63% ये गिर चुका है। और फिलहाल ऐसे कितने सारे शेयर्स हैं मार्केट में जो काफ़ी गिरे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। देखो, अगर हम ये चीज़ें देखते हैं कि यार मैं तकलीफ़ में हूँ, ठीक है, अगर मैं सोचूंगा यार मैं तकलीफ़ में हूँ, तो मैं अगर किसी और को देखता हूँ कि वो भी तकलीफ़ में है, तो हमको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार ये भी है मैं भी हूँ, तो थोड़ा अपने को पेशेंस आ जाता है या हमको लग जाता है कि यार ठीक है ना, दुनिया को भी तकलीफ़ है या और किसी लोगों को भी तकलीफ़ है, तो थोड़ी सी अपनी तकलीफ़ कम हो जाती है या अपना दर्द कम हो जाता है। तो मेन चीज़ हमको यही देखना होता है कि आपके साथ साथ कौन कौन लोग वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और कितने लोगों को ये प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ पूरे डिटेल के साथ, तो वीडियो एंड तक देखो, और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, देखो ये शेयर मार्केट है और कोई यहाँ पर पैसा आज लेके आता है और सोचता है कि यार मैं आज इसमें इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ और ये इन्वेस्टमेंट मुझे 1 महीने में 2 महीने में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देगा, तो वो गलत सोच के आता है। ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब मार्केट बुल रन में भागता होता है। बुल रन यानी सभी शेयर्स भाग रहे हैं, कोई भी शेयर्स में पैसा लगाओ सभी शेयर्स भागते हैं, तो होता है बुल टाइम, बुल रन टाइम होता है, और बियर टाइम होता है या मंदी होता है, रिसेशन होता है, उसके अंदर कोई भी शेयर में पैसा लगाओ वो डूबते हैं, ठीक है, और वो शेयर्स गिरते हैं। तो आपको कौन से टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए ये आपको मेन तो पता नहीं होता है। लोगों का यही स्ट्रेटजी होता है, जब बुल रन चलता हो तभी पैसा लगाना चाहिए और मंदी चलती है तभी पैसा निकाल देना चाहिए या बेच देना चाहिए, तो लोग यही चीज़ करते हैं। और यही चीज़ के वजह से उनको लगता है कि मार्केट पैसा देता है और बहुत इजी कमा सकते हो, और इजीली कोई भी कमा सकता है ऐसा लगने लगता है, लेकिन इतना ईजी नहीं है। जो भी आपने बुल रन में कमाया होगा या बुल टाइम में कमाया रहेगा, वो एक ना एक दिन कहीं ना कहीं आप ट्रैप में फंस जाओगे। कोई तो एक ऐसा शेयर आप दबा के खरीद लोगे और वो शेयर आपको कम्प्लीटली बर्बाद कर देगा। तो कोई भी आपको मैं तो यहाँ पर बताना चाहूँगा कि देखो, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है तो किसी ना किसी का सुन के किया है। तो मैंने जहाँ तक देखा है, देखो मैं यूट्यूब पर बहुत पुराना तो नहीं हूँ, फ़िलहाल मुझे सितंबर से आप गिन सकते हो कि तब से मैं वीडियोस डालना चालू कर रहा हूँ, ठीक है, तो सितंबर 2021 से, तो लगभग ये सितंबर को पूरा साल हो जाएगा। उससे पहले मैं जस्ट मेरे प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट डाला करता था, ठीक है, जस्ट मैं ट्रायल के लिए हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में, जस्ट ट्रायल के लिए जो भी प्रॉफिट होता था उसके स्क्रीनशॉट डाल देता था और उस पर शॉर्ट वीडियो बना देता था। शॉर्ट वीडियो मतलब जस्ट 1 सेकेंड 1 मिनट का होता है, जो काफ़ी छोटा होता है, वो वीडियोस डाला करता था, वो मैंने बहुत बार मेरे चैनल पे बताया भी है, ठीक है। तो लेकिन उससे क्या हुआ कि चलो, लोगों में फिर नए शेयर्स के बारे में या मैं मेरे सीक्रेट, जैसे मैं प्रॉफिट कैसे कमा ले रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं बताना चालू किया। और मेन चीज़ क्या हो गया कि अगर मैं सितंबर से भी मार्केट में हूँ, लेकिन उसके बाद यानी यूट्यूब पे आपको वीडियोस डाल के दिखा रहा हूँ, तो उसके बाद कुछ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से मार्केट गिरना चालू हुआ, ठीक है, तो उसके बाद और जनवरी फरवरी में तो और भी बैड न्यूज़ आए, ग्लोबल न्यूज़ आए, तो उसकी वजह से और ख़राब हो गया। तो बहुत सारी न्यूज़ के वजह से मार्केट काफ़ी ख़राब चलने लगा और उसी के वजह से काफ़ी शेयर्स गिर चुके हैं, और बहुत सारे इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट हो या फिर इंडियन इम्पैक्ट हो या इंडियन इकोनॉमी प्रॉब्लम हो, महंगाई हो, सारी चीज़ें मार्केट को गिराने में सफल रही है। और कहीं ना कहीं जाके ये समझ लो, अगर चीज़ें हमारा जीडीपी एक टाइप का हमारा यही होता है कि हमारी देश कितना कमा रहा है या देश कितना पैसा जनरेट कर रहा है या प्रोड्यूस कर रहा है या हमारे देश की इनकम कितनी है, तो ये चीज़ होती है।
तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा वो देश तो अच्छे से जीडीपी कर रहा था, अच्छा कमा रहा था, हमारे देश में काफ़ी अच्छे अमीर लोग भी हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, टॉप 10 में भी आते हैं हमारे इंडिया के बिजनेसमैन, तो काफ़ी है पैसा। और हम लोग कितनी भी महंगाई आ जाती है फिर भी लोग इधर, यहाँ पर इकोनॉमी कोई ख़राब नहीं होती। आप श्रीलंका की हालत देख लो, श्रीलंका काफ़ी ख़राब हो चुका है उसकी, वैसे पाकिस्तान की भी सेम चीज़ हो रही है, हालत हो रही है। देखो हमारी इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रांग है और हमारे देश के लोग काफ़ी स्ट्रांग भी है, वो सारी चीज़ें सह भी लेते हैं। कितनी भी महंगाई आएगी तो भी, देखो पेट्रोल कितना भी महंगा आएगा लेकिन बाइक यूज़ करना नहीं छोड़ते लोग, बाइक फिर भी यूज़ कर रहे हैं, कार यूज़ कर रहे हैं। तो काफ़ी ये चीज़ें, मार्केट कितना भी मतलब महंगा हो जाए फिर भी लोग यहाँ पर टिके हैं और उसका सामना करते हैं, ठीक है। और पहले से चीज़ें महंगी तो होती है, ये महंगाई 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 हमने तो बहुत बार सुना है। हर हर किसी की सरकार आती है, कोई भी नई सरकार आए या पुरानी सरकार हो, हर एक का एक ही मुद्दा रहता है कि महंगाई है, महंगाई को हटाएंगे, महंगाई। लेकिन महंगाई देखो बढ़ती ही जा रही है, महंगाई कोई हट नहीं रही है, लेकिन फिर भी इंसान जी रहे हैं, फिर भी सर्वाइव कर रहे हैं और थोड़ी उम्मीद लगा के बैठे मार्केट से, शेयर मार्केट से, अदर इनकम से। बट अदर इनकम में कभी कभी अच्छा कमा लेते हैं और कभी कभी नहीं कमाते हैं। तो यहाँ पर एक ही चीज़ का सॉल्यूशन है, देखो मार्केट में इन्वेस्ट किया है तो ज़रूरी नहीं है कि आप तुरंत से पैसा कमाना चालू करेंगे, टाइम लगेगा और टाइम कितना लगेगा वो कोई नहीं बता सकता। देखो अगर बुल टाइम है तो आप हफ्ते में भी कमा लोगे, महीने में कमा लोगे, लेकिन बियर टाइम है, एक जन ने तो बोल दिया ये बियर टाइम थोड़ी है, ये तो बुल टाइम है। लोग मुझे नहीं पता कि यार या दिमाग घर पे रखते हैं या कहीं पे छोड़ देते हैं या क्या, कैसे कमेंट कर देते हैं कि एकदम बचकाने कमेंट कर देते हैं। मुझे लगता है कि बच्चे लोग ज़्यादा शेयर मार्केट में आ चुके हैं तो शायद, और बहस भी ज़्यादा करते हैं। तो मुझे लगता है कि यार आप खुद नॉलेज लो, सीखो, समझो, फिर आप किसी से आर्ग्यूमेंट करो, तभी आप बोलने तो लायक होगे कि यार सच में आपको नॉलेज है। आप टीचर को भी पढ़ा दोगे, ऐसा मुझे कभी कभी लगता है कि अगर आपको कोई टीचर आपको कुछ चीज़ समझा रहा है, बता रहा है, तो आप तो टीचर को भी बता देंगे तो आपको कुछ नहीं पता, मुझे सब पता है। तो ये चीज़ होती है और बहुत सारी चीज़ें, लोगों को कोई बता रहा है, समझा रहा है, सिखा रहा है। देखो सीखना उससे चाहिए जो खुद कुछ कर रहा है, ठीक है, जो खुद प्रॉफिट भी कर रहा है। या यहाँ पर यूट्यूब पे आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो सच में प्रॉफिट कर रहे हैं, और स्विंग ट्रेडिंग में भी कोई है उनके भी मोस्ट ऑफ आपको पता होना चाहिए। देखो स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, इसमें जो भी कर रहे हैं काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। कुछ कुछ लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग इसको मैं थोड़ा सा टेम्पररी समझता हूँ। देखो कहीं ना कहीं जाके आदमी फिर लॉन्ग टर्म की तरफ जाता है, क्योंकि आज नहीं तो कल ये चीज़ ख़त्म हो सकती है, बंद हो सकती है। क्योंकि देखो इंट्राडे में कितना आप एक दिन में ट्रांजैक्शन कर सकते हो या एक दिन में ट्रेडिंग कितना कर सकते हो, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की बात करें या शॉर्ट टर्म की, आप कितना भी पैसा लगा के रख सकते हो, क्योंकि क्वांटिटीज़ बहुत खरीद के रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि बेच भी सकते हो उतना ही। तो मेन ये चीज़ होता है कि मुझे तो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म भी पीरियड बहुत अच्छा लगता है, और शॉर्ट टर्म इसी के लिए कहता हूँ क्योंकि देखो कभी कभी मार्केट की कंडीशन या शेयर की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है, उसके रिजल्ट्स ख़राब हो जाते हैं, या कोई भी मार्केट के वजह से या फिर उसके वो कंपनी के बिजनेस के वजह से कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आ जाता है जिससे वो शेयर गिरना चालू हो जाता है। और मेन चीज़ होती है कि हमको वो शेयर प्रॉफिट में ही निकालना है, तो हमको वो टाइम पे शेयर निकाल देना चाहिए। जैसे कि अगर उसको साल भर में नहीं हुआ है तो भी बेच दो, मैं तो यही करता हूँ। तो कभी कभी जल्दी शेयर बेच देता हूँ, क्योंकि मेन चीज़ होती है कि देखो गिरावट से अच्छा है कि आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट ज़रूर मिले। लेकिन मेरा एक फिक्स एक टारगेट रखता हूँ कि मैं कम से कम 20% से ज़्यादा रिटर्न लेना पसंद करता हूँ, तो चाहे वो कितना टाइम लगे या फिर मैं उसको होल्ड कर देता हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे शेयर्स अभी मैं होल्ड तो कर रहा हूँ, और ऐसे कौन से शेयर से काफ़ी गिरे हैं, तो जस्ट हम लोग तो एशियन ग्रेनिटो की बात कर रहे थे, तो देखो एशियन ग्रेनिटो ही मेरा ये पोर्टफोलियो का शेयर है सबसे ज़्यादा गिरा है। उसके बाद कुछ शेयर रहेंगे
वो 10%, 20%, 15% वो काफ़ी जल्दी कवर हो सकते हैं, लेकिन ये 63% कवर होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन होगा, इतना तो मुझे कॉन्फिडेंस है, क्योंकि ये मेरे एक्सपीरियंस है और ये मेरे एक्सपीरियंस के साथ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे शेयर्स मैंने लाइफ टाइम में जो भी खरीदे उसने मुझे अच्छा खासा लाइफ में प्रॉब्लम, कितने भी प्रॉब्लम हो उसमें से बाहर निकाला है। एक टाइम पे मेरे पास सेल था, सेल तो 70-80-90% भी गिरा था, और सेल जो गवर्नमेंट कंपनी है उसके शेयर थे, और मेरे पास बहुत सारे जो मैंने अबन ऑफशोर बताया, इरोस इंटरनेशनल बताया, इसमें प्रॉफिट लिया हुआ, इरोस तो रिसेंटली आईएलएंड एफएस दिखाया, ट्रांसपोर्टेशन आज ही किसी का कमेंट आया था ट्रेड नहीं हो रहा है उसमें, तो ट्रेडिंग हो, देखो कंपनी जो पेनी स्टॉक बन जाती है उसमें बहुत रिस्क हो जाता है कि यार आज नहीं तो कल वो बंद हो सकती है, फिर भी मैं वो उतना भी रिस्क ले लेता हूँ अगर मैं उसमें इन्वेस्टेड हूँ तो। अगर इन्वेस्टेड नहीं हूँ तो फिर मैं उसमें से निकलना पसंद कर देता हूँ, निकलना मतलब उसमें उसमें रहना ही नहीं पसंद करता। देखो इन्वेस्टेड नहीं हूँ और उसके बारे में बताना भी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, जिसमें मैं खुद भी नहीं हूँ, ठीक है। तो मेन चीज़ है, आपको भी बिज़नेस की तरह शेयर मार्केट को लेना चाहिए। अभी मैं कौन से शेयर वो गिरे हैं और आपको वो चीज़ें देख के तो कम से कम सब्र होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और मेरे लाइफ में कितने सारे शेयर्स मैंने प्रॉफिट में निकाले हैं उसकी तो मैं हिस्ट्री आपको हमेशा बताते रहूँगा, और बहुत सारे शेयर्स से आप देख देख के ये हो जाओगे, लेकिन यहाँ पर शेयर्स ख़त्म नहीं होंगे, उतने सारे शेयर्स मुझे पसंद है, अलग अलग टाइप के अलग अलग शेयर के साथ एक्सपीरियंस लूँ, अलग अलग कंपनी का एक्सपीरियंस लूँ, उसके डिविडेंड्स ले लूँ, और उसमें थोड़ा सा ट्रेड करके थोड़ा बहुत हर कंपनी से मैं थोड़ा कुछ ना कुछ पैसा कमा लूँ, ये मुझे लगता है। और इसी वजह से मैं सभी शेयर्स में अलग अलग टाइप के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। मेरे लॉन्ग टर्म के भी शेयर्स है, लॉन्ग टर्म के भी शेयर्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और शॉर्ट टर्म और बाकी जो भी जिसमें स्विंग किया है सभी शेयर्स मैंने आपके साथ बताए हैं, शॉर्ट टर्म के भी शेयर्स हैं, तो सभी शेयर्स आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। मेन चीज़ है कि आपको सीखना है, यहाँ पर किसी को कॉपी नहीं करना है, जस्ट आपको सीखना है, सीख के आपको उसमें पेशेंस रखना है, ज़रूर फ़ायदा होगा, और आपके साथ आपकी कंपनी के साथ बड़े बड़े कंपनियाँ भी आपका साथ दे रही है, क्योंकि गिरावट उसमें भी आपको देखने मिलेगी, तो वो गिरावट में दिखाने वाला हूँ कौन से शेयर्स जो काफ़ी गिरे। फिलहाल तो एशियन ग्रेनाइट 52 वीक लो पे है, तो आपके साथ साथ कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो 52 वीक लो पे है, तो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, तो देखो और सीखो, समझो और दिमाग शांत रखो, बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं, अगर डर ज़्यादा ही लग रहा है तो बिल्कुल निकल जाओ, लेकिन मेरे पे भरोसा कर रहे हो या खुद पे भरोसा कर रहे हो तो बिंदास रहो। फिलहाल तो मैं लॉस करके नहीं निकलता, मेरा एक्सपीरियंस है। देखो जिसका ज़्यादा पैसा लगा है उसको सच में डर लगता होगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि मैंने सुना है 8 लाख का लॉस है, 10 लाख का लॉस है, उनको सच में काफ़ी बुरा लगता होगा। हमारे तो 10-20 हज़ार, 50 हज़ार, 60 हज़ार तक के भी लॉस हम लोग को इतना कुछ नहीं लगते, लेकिन जिसके सच में 10-10 लाख, 20-20 लाख के लॉस होंगे, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा कर लिया एक ही शेयर के पीछे, और उतने में हम लोग तो 10 शेयर्स या 15 शेयर, 20 शेयर ले लेंगे, ठीक है। तो ये एक अलग एक्सपीरियंस होता है, और एक्सपीरियंस से ये चीज़ें हमने सीखी हैं, और आपको भी सीखना है, जस्ट सीखना है और इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें सीखो और इम्प्लीमेंट करो, और ज़रूर लाइफ में अच्छा प्रॉफिट ज़रूर करोगे, गारंटेड आप प्रॉफिट करोगे। और मेन चीज़ है, देखो डर के भागने वाले कभी ज़िंदगी में कमाते नहीं है, ये चैनल पे भी कुछ लोग आते हैं और कभी कभी निकल भी जाते हैं, लेकिन बहुत लोग टिके हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। देखो आज ये ना प्रॉफिट देख के जो लालच देख के आए हैं वो तो प्रॉफिट नहीं दिख रहा है तो भाग जाएंगे, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट बिना प्रॉफिट देखे जो नॉलेज लेने के लिए आया और नॉलेज से ही लोग टिके हैं, तो ज़रूर आगे मेरे साथ साथ वो भी प्रॉफिट ज़रूर करेंगे। और जो भगोड़े हैं वो ज़िंदगी में कभी मार्केट में भी ना आए, ना किसी चैनल पे जाए, कुछ नहीं, आप यहाँ वहाँ भटकते रहो और भटक भटक के शांति से घर में बैठ जाओ, और ज़िंदगी भर एक जॉब करो या किसी की नौकरी करो, और नौकरी करके बहुत सारा उन बॉस को कमा कमा के दो और बॉस को खुश करो, ठीक है। आप ज़िंदगी में कुछ करो मत, क्योंकि मेन चीज़ है कि आप लालची हो और लालच देख के ही यहाँ वहाँ भागते हो। मेन चीज़ है नॉलेज लो, जो नॉलेज दे रहा है, जो एक्सपीरियंस दे रहा है उससे सीखो, बुक से सीखो, कहीं से सीखो, लेकिन सीखो, और सीखने के लिए कोई ये नहीं लगता है, ठीक
ठीक है। तो टाइम देखो, हर कोई अपना टाइम दे रहा है आपको सिखाने के लिए, आपके का आपका काम है, आपको सीखना है, ठीक है। तो जो भी लोग यहाँ मेरे साथ जुड़े हैं और वो आगे रहे और उनको भी प्रॉफिट हो, यही मैं चाहता हूँ, ठीक है। और मैं खुद प्रॉफिट करूँगा तो ज़रूर आपको प्रॉफिट होगा। जो भी है डेटा, मैं खुद का जेन्युइन बताता हूँ। देखो यहाँ पर ये चैनल पे मैं खुद के पोर्टफोलियो के शेयर्स तो बता रहा हूँ। बहुत लोग आएंगे, आपको 10 शेयर बताएंगे, मल्टीबैगर 5 शेयर बताएंगे, मल्टीबैगर 10 शेयर बताएंगे, 5 पेनी स्टॉक बताएंगे, 10 पेनी स्टॉक बताएंगे, ये शेयर में पैसा लगा दो करोड़पति बन जाओगे, वो शेयर में लगा दो करोड़पति बन जाओगे, ये सारी चीज़ें मैं नहीं बोलता क्योंकि मैं अलग हूँ, ठीक है। और मेन चीज़ है कि ये चीज़ें अगर मैं बहका के आपको बच्चे जैसा ये चीज़ें बताते रहो और आप बचकाने जैसे आके पैसा लगाओगे तो उसमें कोई मज़ा नहीं है। तो जो भी चीज़ें, खुद के शेयर खुद भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ और वो भी आपको दिखा रहा हूँ, और जो भी प्राइस पे हो वो प्राइस में सीधा सीधा आपको बता देता हूँ। देखो मेरा ये आसपास इसका प्राइस है और यहाँ से मैं इसमें इन्वेस्ट किया है और इसमें से प्रॉफिट निकाल के दिखाने वाला हूँ। बस वही चीज़ करता हूँ, बाकी कोई चीज़ नहीं है। 10 शेयर मल्टीबैगर बताऊंगा, 20 शेयर एवरीडे बता बता के जाऊंगा। उतने शेयर्स तो मैं खुद भी नहीं खरीद सकता, ठीक है। दुनिया को बता के, दुनिया अगर बर्बाद हो जाती तो उसमें मेरा क्या फ़ायदा और उनका क्या फ़ायदा। लोग फिर भी वहाँ पर जाएंगे क्योंकि उधर रोज़ लालच बांट रहा है, और लालची लोग ही लालच, देखो लालची कुत्ते का कभी आपने एक कहानी सुनी होगी तो मैं बता देता हूँ। लालची कुत्ते के मुंह में एक रोटी का टुकड़ा होता है, बट वो पुल में और एक टुकड़ा देखता है, ठीक है। वहाँ पर उसको लगता है कि यार वो कुत्ते का भी मैं छीन लूँ, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो कुत्ता वो पुल के कुत्ते का छीनने के लिए जाता है और मुँह का उसका खुद का भी जो निवाला होता है वो निकल जाता है, क्योंकि वो खुद की परछाई देखते रहते हैं। तो लालच मत करो, जो मुँह हाथ में है वो सारी चीज़ें भी निकल जाएगी। पेशेंस से काम करो, आराम से काम करो, जो भी हाथ में है वो जो पैसे है मनी है उसको बर्बाद मत करो, सही शेयर्स में सही जगह पे लगाओ और अच्छे से वेल्थ कमाओ, और पेशेंस रखो और सीखो, मेन सीखने पे फोकस रखो। बिना सीखे कोई यहाँ से मार्केट से कमा नहीं पाया है, और कोई यहाँ पर ये नहीं बता सकता, कोई भविष्यवाणी नहीं, यहाँ पे ज्योतिष नहीं बैठे हैं कि आपको भविष्य में बताए कि इसके टारगेट क्या होने वाले, उसके टारगेट, क्योंकि आप टारगेट तो टीवी चैनल पे सुन के ही शेयर खरीदते हो और टीवी चैनल पे रोज के रोज आपको टारगेट्स मिलेंगे। चाहिए तो रोज़ रोज़ खरीद के दिखाओ और रोज़ रोज़ कमा के दिखाओ, ठीक है। तो मेन चीज़ है, सारी चीज़ें करके देख चुका हूँ, हम भी देखे हैं और आपको यही चीज़ें बता रहे कि कोई चीज़ें देखनी नहीं है, सिंपल लॉजिक है, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट किया करो और अच्छे से पैसा कमाओ, ठीक है। तो आपको अभी मैं बता देता हूँ कौन से वो स्टॉक्स हैं जो आपके शेयर के साथ साथ काफ़ी बाकी दूसरे भी स्टॉक गिरे हैं, ठीक है। तो वो देख लो और थोड़ा दिमाग शांत रखो, ज़रूर आपके शेयर से प्रॉफिट ज़रूर निकलेंगे, और बहुत सारे शेयर्स हैं जो आपके साथ साथ वो भी गिरे हैं, ठीक है। तो उतना तो पेशेंस रखो और ज़रूर आगे बढ़ो लाइफ में, ठीक है। चलो बढ़ते हैं, वो स्टॉक दिखा देता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ कि आपको ये 52 वीक लो स्टॉक है और ये बहुत नामचीन कंपनियाँ हैं, और यहाँ पर एक दो नहीं, 10-20 नहीं, काफ़ी शेयर्स मैं दिखा दूंगा जो 52 वीक लो पर है। तो आप बिल्कुल अफसोस मत करना, दुख मत जताना कि यार आपका ही शेयर क्यों नीचे है और मैं भी ये चीज़ नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा एंड तक देखो कि कितने सारे शेयर्स है, आपके दिल में थोड़ा सा सुकून आ जाएगा कि आपके शेयर्स भी कोई खराब नहीं है और अच्छे अच्छे शेयर्स का बुरा हाल हो गया है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर दिमाग में सोचा है कि यार नहीं मेरा ही मेरे साथ ही क्यों, मेरा ही स्टॉक क्यों नीचे गिरा है, तो उनको बता दूँ HDFC बैंक कितने लोग जानते हैं। HDFC बैंक सब देखो, मार्केट कैपिटल देखो 7.5 लाख करोड़ की कंपनी है, वो 52 वीक लो पर है। ये 52 वीक लो या 52 वीक लो के आसपास, आपका भी स्टॉक एकदम 52 वीक लो पे होता है या 52 वीक लो के आसपास होता है, यानी 10-20 रुपए और नीचे गया तो लो तोड़ जाएगा या तोड़ के आ गया होता है, ठीक है। तो HDFC बैंक सुन लिया, TCS सुन लो, TCS भी बड़ी कंपनी, कितना 12 लाख करोड़ का कैपिटल है, मार्केट कैपिटल। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, इनका सोच लो क्या हाल है, 52 वीक लो पे ये ट्रेड कर रही है। कौन बोलता है कि यार मार्केट में बुल रन चालू है, वो बेवकूफी होगा या उनको ना समझ होगा या बच्चा होगा, उनको अगर ये बुल रन लग रहा है तो। यहाँ पर बेयर टाइम चालू है, अच्छे अच्छे शेयर्स गिरे हैं, 52 वीक लो पे मिल रहे हैं, इसका मतलब मार्केट खराब चल रहा है, ठीक है। तो TCS जैसा, इसी वजह से आपके भी शेयर देखो, ये अगर 20-25% भी गिरते या 30% गिरते तो आपके शेयर्स, अगर स्मॉल कैप है
या मिड कैप है तो 50-60% गिरेंगे, क्योंकि उसमें लोग ज्यादा ट्रेड करते हैं, इसमें बड़े लोग ट्रेड करते हैं। ये अगर इतना गिरता है तो उससे कहीं ज्यादा छोटे शेयर्स गिरते हैं या छोटी कंपनियों के शेयर्स ज्यादा गिरते हैं, ठीक है, थीके? जिसका मार्केट कैपिटल कम होता है। टाटा स्टील देखो, ये भी 1,24,000 करोड़ की कंपनी है, टाटा स्टील भी 52 वीक लो पे है। HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी जो है, ठीक है, वो भी यहाँ पर देख लो काफी 52 वीक लो पे ये आज भी है, और ये लगभग 3-4 लाख करोड़ की कंपनी है, 3,95,000 करोड़ मार्केट कैपिटल की कंपनी है। इंफोसिस यहाँ पर देख सकते हो, इंफोसिस 6,21,000 करोड़ की कंपनी, इंफोसिस लार्ज कैप, बड़े बड़े लार्ज कैप कंपनी डाउन है। एक्सिस बैंक 2 लाख करोड़ की कंपनी है। एक्साइड इंडस्ट्रीज छोटी कंपनी है, 12,000 करोड़ की है, लेकिन ये भी काफी गिरी है। और हिंडालको इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड टुब्रो, ये 2,22,000 करोड़ की कंपनी है, लार्सन एंड टुब्रो भी गिरा है। और HCL टेक्नोलॉजीज 2,75,000 की कंपनी है, 2,75,000 करोड़ की कंपनी है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ये भी गिरा है। विप्रो देखो 2,52,000 करोड़ की कंपनी है, ये भी गिरी है। हिंदुस्तान जिंक 1,22,000 करोड़, BPCL काफी गिरा है, और ये ग्रासिम इंडस्ट्रीज सभी ये 52 वीक लो है, ठीक है। और यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट, सेल, बजाज फाइनेंस देखो काफी, बजाज फाइनेंस जो 3,43,000 करोड़ की कंपनी है, और अल्ट्राटेक सीमेंट 1,59,000 करोड़ की कंपनी है, काफी गिरे। लाइफ इंश्योरेंस LIC 4,48,000 करोड़ की कंपनी, काफी गिरी। REC, HPCL, NMDC, जनरल इंश्योरेंस, जिंदाल स्टील, और ये टेक महिंद्रा 1 लाख करोड़ की कंपनी, देखो काफी कंपनियां गिरी है। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और नेक्स्ट पेज भी देख लो, IRFC बजाज फिनसर्व देख लो, ठीक है, और बजाज फिनसर्व 1,94,000 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। पैनासिया, ग्लैक्सो, ग्लैक्सो स्मिथ फार्मा ये भी देख लो, और LIC हाउसिंग फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, डिवीज लैब, एशियन पेंट्स, एशियन पेंट देख लो 2,50,000 करोड़ की, 2,59,000 करोड़ की कंपनी, ये भी 52 वीक लो पे मिल रही है आपको। श्री सीमेंट, आर्शिया, दालमिया भारत, नेस्ले इंडिया देखो 1,61,000, SBI कार्ड, औरोबिंदो फार्मा, ठीक है, और ओरेकल फिनसर्व, गुजरात गैस, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, CESC, SC, सन टीवी नेटवर्क, इस पे मैंने वीडियो बना चुका हूं, ये मेरे पास था। टाटा, टाटा कम्युनिकेशन, इमामी, रेडिंगटन देख लो, IDFC फर्स्ट बैंक, बॉश, सेंट्रल बैंक, देखो कितने सारी कंपनियां हैं, जस्ट आपका ही शेयर नहीं है 52 वीक लो पे, तो थोड़ा दुख जताना कम करो, या दुख में रहना बंद करो, टेंशन फ्री रहो, बहुत सारी कंपनियां आपके साथ साथ है। पंजाब नेशनल बैंक, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, वर्धमान टेक्सटाइल, ICICI लोम्बार्ड, यूको बैंक, इंडिया बुल हाउसिंग, मोतीलाल ओसवाल, डाबर इंडिया, देखो बड़ी कंपनियों का नाम आ रहा है, डाबर इंडिया, ग्लैंड फार्मा, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट, साउथ इंडियन बैंक, दीपक नाइट्रेट, मनप्पुरम फाइनेंस, गोदरेज प्रॉपर्टीज, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज देखो, फेविकॉल वाली कंपनी पिडिलाइट, 1 लाख करोड़ की कंपनी, 52 वीक लो पे मिल रही है। मैरिको ये पैराशूट ऑयल बनाने वाली, ठीक है, नारियल तेल, उसकी कंपनी, ये भी 52 वीक लो पे मिल रही है। इरकॉन, बाइकॉन, ऐसे इसमें से बहुत सारे शेयर्स रहेंगे जिसमें मैंने ट्रेडिंग करके वगैरह प्रॉफिट लिए है, बहुत सारे शेयर्स में आगे आपको दिखाते रहूंगा, क्योंकि ये मेरे लाइफ के बहुत सारे इसमें से शेयर्स आपको
क्योंकि मैं सभी शेयर्स में इन्वेस्ट करता था और ट्रेडिंग भी करता था, इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग सभी चीज़ें मैं कर चुका हूँ, और जो जिसमें अभी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ फिलहाल वो भी चीज़ें मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, ठीक है, और जो मेरे पुराने वो भी मैं आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। सन ऑफ इंडिया, केमप्लास्ट, कैस्ट्रॉल इंडिया, गोदरेज इंडस्ट्रीज, बर्जर पेंट, कॉफोद, जेके सीमेंट, देखो कितनी सारी कंपनियां हैं। आप सिर्फ आपकी कंपनी 52 वीक लो पे करके टेंशन में रहते हो, लेकिन यहाँ पर देखो कितनी सारी कंपनी, आरती इंडस्ट्रीज, KIOCL, ये भी देख सकते हो, आरती इंडस्ट्री भी मिड कैप है, वोल्टास, उसकी भी क्रॉम्पटन ग्रीव, सद्भाव इंफ्रा, निपॉन लाइफ, आदित्य एमसी, ग्लेनमार्क फार्मा, BASF इंडिया, ठीक है, श्रेम इन्वेस्ट IT, ये भी है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको भी नहीं पता होगी, मुझे भी बहुत सारी नहीं पता होती है, ठीक है, लेकिन सभी में इन्वेस्ट करके कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर आगे आपको कमाते हुए नजर आऊंगा, ठीक है। तो ये चीजें मुझे पसंद है कि बहुत अलग अलग कंपनी का अलग अलग एक्सपीरियंस लेना। और सिंजिन इंटरनेशनल, एस्ट्रल, ये जो पाइप बनाती है, राजेश एक्सपोर्ट, ये गोल्ड का जो एक्सपोर्ट करती है, राइट्स, ठीक है, अतुल, और BEML, बिरला सॉफ्ट, फर्स्ट सॉफ्ट सॉल्यूशन, मोइल, CSB बैंक, इपका लैब, देखो कितने सारी कंपनियों के नाम आ रहे हैं, जेंसर टेक्नोलॉजी, HEG, फाइजर, ये द रैमको सीमेंट, ये भी है मेरे पास। तो बहुत सारे ऐसे शेयर्स है, बहुत सारी कंपनी है, आप थक जाओगे, लेकिन यहाँ पर ये सारे 52 वीक लो है, क्योंकि मार्केट में दुनिया भर की कंपनियां हैं, और इसी वजह से आपका भी शेयर गिरा है। भाई कोई टेंशन मत लो मेरे दोस्तों, कोई ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, कोई कितना भी कुछ बोले, 2 साल लगे, 5 साल लगेगा, 10 साल लगेगा, को लोग बोलते हैं उनको एक्सपीरियंस नहीं करके बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, और मैं नहीं तो और कोई आपको बताता ही होगा कि यार पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, अभी बाइंग का टाइम है, अभी खरीदना चाहिए, अभी खरीदना चाहिए, वो लोग सही बोलते हैं, या जो आपको बता रहा है कि यार, और ज्यादा बड़ा चढ़ा के बताता है, उनको मैं थोड़ा ये बोलूंगा कि यार इतना भी मत बोलो, ठीक है, लेकिन शेयर से अच्छा प्रॉफिट हो जाएगी, अच्छे शेयर लो। लॉन्ग टर्म होल्ड करने वालों को अपनी अपनी किस्मत है कि कौन सा शेयर कितना अच्छा रिटर्न देगा, तो कोई बोल नहीं सकता है कि यार ये शेयर्स में ज्यादा लगा तो ये शेयर ज्यादा पैसा देगा, तो कोई कितना भी आपको बोले वो खुद भी लगा रहेगा, ये भी एक बार एक सवाल कर देना, ठीक है। और कैन फाइन होम्स, और मदर सन सुमी, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस, और कितने सारे नाम से यहाँ पर आप देख सकते हो, और ये सारी चीजें आपको ये स्क्रीनर पे मिल जाएगा, 52 वीक लो स्टॉक, आप गूगल पे सर्च मारो और सभी चीजें आप देख लेना, और मैंने तो जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां, जितनी छोटी कंपनियां, सारी चीजें मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, और सभी के नाम पढ़ते रहूंगा, तो आपको भी ज्यादा ये हो जाएगा, टाइम आपका भी ये हो जाएगा, आप अपने हिसाब से देख लो, लेकिन आपकी भी कंपनी है, ये लक्स इंडस्ट्रीज देख लो, ये भी है, और बहुत सारी कंपनियां हैं जो आप जानते हैं और जो नहीं जानते वो भी सारे, ये फोर्टिस हेल्थ के ऊपर मैंने वीडियो बनाया भी था, ये भी मेरे पास था, बहुत सारे ऐसे शेयर्स रहेंगे, PTC इंडिया भी मेरे पास था, बहुत सारी कंपनियां मेरे पास अभी भी है, और पहले भी बहुत सारी कंपनियों में मैंने प्रॉफिट लिया है। ये सारी कंपनियां देख के ही अच्छा लगता है कि यार हर एक कंपनी में थोड़ा इन्वेस्ट कर लूँ, देख लूँ कैसा ये परफॉर्म करता है। तो सभी शेयर्स मेरे लाइफ में, देखो ये टाटा मेटालिक्स अभी भी है, इसका वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है, और श्रीराम के भी बहुत है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, श्रीराम सिटी यूनियन ट्रांसपोर्ट पे तो मैंने बनाया ही था, सुप्रिया लाइफ साइंस पे भी मैंने वीडियो बनाया था, तो बहुत सारे कंपनियां हैं, और उस पे भी वीडियोस आते रहेंगे, रेपको होम फाइनेंस भी है, तो देखो बहुत सारी कंपनियां मेरे पास खुद के पास भी है जो 52 वीक लो पे है, तो आप एक काम कर सकते हो, उसमें कंप्लीटली स्टडी कर लो, मैंने भी बताया है, ठीक है, और यहाँ पर मुंबई में काफी बारिश हो रही है, तो उसकी वजह से कभी कभार आपको वॉइस में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, और कुछ ना कुछ आवाजें आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर बारिश, तो बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया, सितंबर से मैंने स्टार्ट किया था, तभी इतना बारिश वारिश नहीं था, तभी एंडिंग का टाइम था,
ठीक है, अभी तो फिलहाल अभी जून जुलाई अगस्त सितंबर कभी कभार बारिश होने की वजह से वीडियोस भी कभी कभार आएंगे नहीं आएंगे, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा कुछ भी होगा, क्योंकि देखो ये चीजें होती है। तो फिलहाल अभी बारिश हो रही है, कल से तो हो रही है, तो फिलहाल कोशिश यही करूंगा मैं आपको नॉलेज देता रहूँ, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करो बिंदास, क्योंकि देखो नॉलेज बांटना है, मैं यहाँ पर कोई लालच नहीं बांट रहा हूँ, नॉलेज बांट रहा हूँ, ठीक है। तो लालच बांटने वाले बहुत लोग हैं यहाँ पर, एक कम से कम मैं नॉलेज तो बांटू, और जरूर खुद भी करके दिखाओ और आप भी करो, क्योंकि बहुत सारे जो प्रॉफिट के जो वीडियोज है वो रियल प्रॉफिट है, और यहाँ से भी जो भी शेयर्स अभी गिरे हैं उसमें से भी मैं आपको प्रॉफिट निकाल के दिखाऊंगा, तभी पता है मुझे बहुत सारे लोग और जुड़ेंगे चैनल से, क्योंकि वो प्रॉफिट देख के लालच देख के ही आते हैं, और कुछ लोग जो अभी है वो सीखने के हिसाब से है। तो मुझे यही चीज अच्छी लग रही है, जो भी अभी मेरे साथ जुड़े हैं, 1300 से ज्यादा लोग मेरे साथ जुड़े हैं, अच्छा लग रहा है कि वो सीखने के भाव से मेरे साथ अभी भी जुड़े हैं, और अच्छा है, टीम बढ़ती रहे, लोग बढ़ते रहे, और खुद भी कमाएंगे, हम भी कमाएंगे, ठीक है, और मार्केट से जरूर बहुत सारा पैसा निकाल के बताएंगे, यही चीज हमको देखना है। टाइम बहुत है हमारे पास, हमको कोई घाई नहीं है, आराम से कमा लेंगे, लेकिन कमाएंगे जरूर, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।